रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास रोजा लाइपास। गणतंत्र दिवस के मौके पर मॉडल टाउन एक्सटेंशन लुधियाना में स्वामी विवेकानंद स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट के द्वारा प्रधान अनिल भारती के नेतृत्व में एक बहुत ही खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य सूत्रधार थे अशोक धीर, रोजा हर्बल और आयुर हर्बल के साथ संबंधित। आइए दोस्तों देखते हैं इस विशेष कार्यक्रम की कुछ झलकियां। इंसान को इंसान की पहचान हो जाएगी, जिस दिन इंसान को इंसान की पहचान हो जाएगी उस दिन दुनिया करते हैं। तो हम इनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं जो हम यहाँ आने के लिए और हमें हमारे इवेंट को सपोर्ट करने के लिए। और अरोड़ा महासभा से अमरीत जी पत्रा जी और विजय जी, श्री ब्रह्म ऋषि जी और के जो बाबरा जी हैं और परम के बाबरा जी के परम शिष्य हैं वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, और श्री प्रीतम भाटिया जी, श्री अशोक अरोड़ा जी, दिस इज मोना अरोड़ा, ये भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हमारे बीच हैं, हम भी इनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। हमारी तहसील जो कि हमारी एक लिटरेरी एसोसिएशन है उसके हमारे मेंबर हैं ये मिस्टर सुनो मेरी आवाज़ सुनो
Oh.
ज्यादा जानते हैं इंसान का कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज मुझे जो नहीं है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, देश में गंगा नदी है। जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अपने रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती हूँ, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, इस देश के गंगा नदी हैं। होठों में सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं। देश का
मैं डॉक्टर दिव्या अरोड़ा, मेरी बेटी अदिति अरोड़ा ने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में आज जो 26 जनवरी का फंक्शन है वहाँ पे परफॉर्मेंस दी है. शी डांस्ड ऑन वेरियस पेट्रियोटिक सॉन्ग एंड एवरीबडी सेड दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ टुडेज फंक्शन. आज हम इस गणतंत्र दिवस की दिन पर स्पेशल प्रोग्राम था स्वामी विवेकानंद स्वर्ग आश्रम की तरफ से, उसे कंपेयर करके जो मजा आया, जो लोगों के गीत हमने प्रेजेंट करवाए लेकिन जो सुनने में मजा आया वो अपने आप में भाव अलग सा है. और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी हम इसी तरीके का काम करते रहें ताकि ये जो देशभक्ति है वो हम सभी के दिलों में जगा सकें. अगर हमारा ये प्रयास कामयाब रहे तो हम समझेंगे कि हम अपने आप में कामयाब हो गए. सचमुच आज जो इस गणतंत्र दिवस की जो हमारा ये फंक्शन था उसकी कंपेयरिंग का हमारा अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट की तरफ से साल में ये दो फंक्शन कराए जाते हैं, जो हमारा गणतंत्र दिवस है और स्वतंत्र दिवस. और ये दोनों ही दिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये दो दिन ऐसे हैं जिसमें हम देशभक्ति से ओतप्रोत खुद भी होते हैं और हमारे जो आसपास लोग हैं उनको भी गीतों के माध्यम से एक संदेश जाता है. क्योंकि वैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो भूल जाते हैं, लेकिन जब ये दिन आता है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो प्यार का जज्बा है वो और भी मजबूत होता है. तो मैं चाहती हूँ इस तरह के फंक्शन जो है हर संस्था को करवाने चाहिए. जय हिंद. 15 अगस्त और 26 जनवरी दो दिन स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के लिए उत्सव के होते हैं और पूरी धूमधाम से हम इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाते हैं. उसी कड़ी में आज 26 जनवरी 2019 के दिन यहाँ पे स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ जिसमें सभी दोस्तों ने, सभी मित्रों ने, सभी साथियों ने, सभी मेंबरान ने, सभी ट्रस्टियों ने मिलकर अपना योगदान दिया और कार्यक्रम को एक अलग रूप दे दिया. देशभक्ति के गीत गाए गए बड़े जज्बे के साथ, बड़ी रूहानियत के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ. मैं सभी दोस्तों का, खास तौर पे अशोक धीर जी का जिन्होंने जो आज के कार्यक्रम के सूत्रधार थे, और सभी मित्र जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उनका मैं दिल से आभारी हूँ. और आप सबको एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ कि आने वाला साल हमारे भारत के लिए नई खुशियाँ और नए आयाम लेकर आए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. अज रिपब्लिक डे के मौके के उत्ते मैनू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अवार्ड दिता है, सोशल सर्विसिज करके अवार्ड ए वाला दिता गया है. तो वह प्रोग्राम खत्म करके मैं, क्योंकि अनिल भारती जी इतने प्रोग्राम करते हैं हर साल, तो उत्थों फटाफट भज के इतने आ गया ताकि ये भी बड़ा मिस ना हो जाए. अवार्ड नालों अज इतने ज्वाइन करने की यह भी बड़ी खुशी है. पिछले साल अवार्ड जिहड़ा सी धीर साहब नूं मिलिया सी, भारती जी नूं उदू पिछले साल धीर साहब नूं मिलिया सी. तो मेरी आस है भी अगले साल भी विवेक भारती के किसी ना किसी सदस्य को फिर कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलेगा जी. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी भारतवासियों को. तो हम जैसा कि पिछले कई वर्षों से स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के जो हॉस्पिटल का जो हाल है वहाँ पे रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन करते हैं, तो आज ये उस कड़ी का एक हिस्सा था. आज जो मैंने ये गाना गाया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो ये गाना पूर्व और पश्चिम का था. तो जिसमें एक जो करैक्टर है तो मनोज जी को कहता है कि भारत ने दुनिया को क्या दिया है, जीरो जीरो जीरो. तो उस गाने में वो जीरो की वैल्यू बताता है. तो मैं हमारी जो अमेच्योर सिंगर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी तरफ से मैं भारती जी को आश्वासन देना चाहूँगा कि हर साल आप हमें प्यार से बुलाते रहिए, तो इसी तरह हम यहाँ बड़ी खूबसूरत महफिल सजाते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना ज़्यादा उम्दा कार्यक्रम था. बेशक शहर में सैकड़ों कार्यक्रम होंगे लेकिन स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट का कार्यक्रम हर साल बेस्ट जाता है. क्यों बेस्ट जाता है? क्योंकि कहीं भी ऐसे सेवा भाव वाले अनिल भारती जी जैसे नहीं मिलेंगे जो ट्रस्ट के प्रधान हैं और सालों से सिर्फ एक ही एक काम कर रहे हैं, सेवा सेवा और सेवा. फिर अशोक धीर जी, जिनको अभी बताया सूत्रधार, ये इस तरीके से लड़ी में सारे हीरो को पिरोते हैं कि कमाल कर देते हैं. और पांडी साहब तो वैसे ही कमाल हैं और इस बार इनको डिस्ट्रिक्ट अवार्ड भी मिला. और रंगमंच के एक मंझे हुए कलाकार डॉक्टर अशोक सिंगला जी, जो कड़वी और मीठी दवाइयों के साथ साथ
अपने डायलॉग से हर दिल में उतरने का एक जज्बा रखते हैं। और उनके साथ आज लेखिका छाया शर्मा जी, जो कमाल का लिखती हैं, इनकी युगलबंदी ने इतना बढ़िया बांधा आज के मंच को। तो राजा जी भी आज पधारे हुए हैं, मिसिस धीर मिसिस पांधी भी पधारे हुए हैं, और एंड में तो जो डांस पेश किया गया ना, जब ऐसा लगा कि एक बार फिर से हर इंसान सोच रहा है कि काश मैं फिर भगत सिंह के रूप में पैदा हो जाऊं। तो वाकई बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। तो आप सभी को वॉइस ऑफ एशियंस की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह आपके साथ दर्शकों बने रहेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद। रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास। रोजा।